हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन। आज है 21 मई, 21 मई और आज का इतिहास का टुडेज हिस्ट्री, आज के इतिहास का ये दूसरा कड़ी है। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि आज के इतिहास में, आज के दिन में क्या क्या हुआ है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हमारे इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे और भी नए वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आज है 21 मई और 21 मई के दिन का कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देखेंगे। तो 21 मई 1904 में पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की स्थापना हुई थी। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 से करते आ रहा है और इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष जो है गियानी इन्फेंटिनो है और 2018 में रूस फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी किया था और फ्रांस की जीत हुई थी और क्रोएशिया उसमें रनर या लूजर हम कह सकते हैं। अब वर्तमान में 2022 में कतर मेजबानी करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। आज ही के दिन अर्थात 21 मई 1918 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं को मतदान की अनुमति दी। अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधि सभा जो है वो निचला सदन है और इसमें कुल सीटें 435 है और यह सभा जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कैपिटल के दक्षिण विंग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रतिनिधि सभा ये कांग्रेस का निचला सदन है और उच्च सदन जो है उसे कांग्रेस को कहा जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की मौत 1991 आज ही के दिन यानी कि 21 मई को हुई थी। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं कि राजीव गांधी जी का जन्म जो है 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था और इन्हें सूचना क्रांति का जनक यानी कि भारत में जो है सूचना क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। देश में इन्होंने कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति इन्होंने ही लाया था। इनका समाधि स्थल जो है वीरभूमि दिल्ली में स्थित है। इन्हें 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। नेक्स्ट है आपका आज का दिन जो है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।